गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एक्सप्लेन अबाउट नेक्स्ट टॉपिक ऑफ लेसन 5, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसके प्रीवियस वीडियो में आपको हमने बताया सम बेसिक कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट के बाद अब हम लोग धीरे धीरे चलेंगे अपने मेन पॉइंट पे, अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द 7 पार्ट्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। अंडरस्टैंड कि मेंडेल ने जब पी प्लांट पे जब सर्च किया तो उसको पी प्लांट को ही सर्च क्यों किया, उसी को सेलेक्ट क्यों किया, पॉइसन स्टाइबम के प्लांट को सर्च क्यों किया। उसके जो है सर्च करने का एक ही रीजन था पॉइसन स्टाइबम के, कि जिसमें 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स मिले, 7 कंट्रास्टिंग मतलब कंपराइजिंग करेक्टर्स, जो कि 7 उस पी प्लांट मतलब पाइबम स्टाइबम के अंदर मिला, अंडरस्टैंड। और पूरे इस डाइवर्सिटी में कोई ऐसा प्लांट नहीं मिला जो कि जिसके अंदर 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हो, अंडरस्टैंड, पहला कंडीशन थी। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि ये जो है इसकी लाइफ साइकिल शॉर्ट ड्यूरेशन की थी, शॉर्ट ड्यूरेशन, अंडरस्टैंड। जब शॉर्ट ड्यूरेशन की यदि लाइफ साइकिल जिसकी रहेगी, पता चला कि मेंडल ने यदि लॉन्ग ड्यूरेशन की किसी स्पीसीज को ले लेता तो पूरे ह्यूमन की लाइफ जो होती है 60 ईयर ही होती है, अंडरस्टैंड। तो यदि लॉन्ग ड्यूरेशन की उसकी लाइफ साइकिल यदि लॉन्ग टाइम में कंप्लीट हो रही है, उस तरह के प्लांट को यदि वो मेंडल ले लेता तो कंडीशन क्या होती कि तब तो वो एक भी एक्सपेरिमेंट को प्रूफ नहीं कर पाता, अंडरस्टैंड। इसलिए मेंडल ने शॉर्ट ड्यूरेशन के प्लांट को सेलेक्ट किया, और वो शॉर्ट ड्यूरेशन का प्लांट जिसके अंदर 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स प्रेजेंट थे, और वो 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स की कंडीशन क्या थी कि जिसमें 7 करेक्टर मिल गए, और उस 7 करेक्टर में सबसे पहले हम करेक्टर की बात करेंगे, तब इसमें कौन डोमिनेंट है और कौन रिसेसिव ट्रेट है, अंडरस्टैंड। तो करेक्टर में सबसे पहले हम देखें सीड का शेप, फर्स्ट पॉइंट सीड शेप, अंडरस्टैंड। सीड शेप में एक सीड ऐसा है जो कैसा है, राउंड है, अंडरस्टैंड। और नेक्स्ट सीड जो है रिंकल्ड है, रिंकल्ड, अंडरस्टैंड। तो इसमें आपका जो है सबसे पहला पॉइंट क्या मिला आपका, सीड शेप, कि सीड का शेप क्या है। तो सीड के शेप में डोमिनेंट करेक्टर क्या है, राउंड है। राउंड का मतलब ये हो गया कि ये कंप्लीटली राउंड होगा, और रिंकल्ड का मतलब ये होगा कि जो बीच बीच में क्या होगा, चिपका होगा, पिचका होगा, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है किसकी होती है, रिंकल्ड की होती है, जिसमें पहला करेक्टर था शेप ऑफ सीड। सीड का शेप कैसा है, कितने तरह के शेप है जो सीड्स के सीड्स में पाए जाते हैं। तो सबसे पहला राउंड है जो डोमिनेंट करेक्टर है, और रिंकल्ड है जो कि रिसेसिव ट्रेट्स है, अंडरस्टैंड। सेकेंड पोजीशन क्या मिलती है इसकी, सेकेंड पोजीशन मिलती है फ्लावर कलर, फ्लावर कलर, और फ्लावर कलर में मिलेगा येलो, अंडरस्टैंड। और नेक्स्ट कंडीशन मिलेगा ग्रीन, अंडरस्टैंड, येलो एंड ग्रीन, ये फ्लावर का कलर। थर्ड पॉइंट की कंडीशन होगी पॉड शेप, और पॉड शेप में क्या कंडीशन मिलेगी, फुल एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड, फुल और कॉन्स्ट्रिक्टेड। फोर्थ पॉइंट की कंडीशन क्या होगी, पॉड कलर में क्या कंडीशन मिलेगी, ग्रीन
एंड येलो, अंडरस्टैंड, ग्रीन एंड येलो। उसके बाद फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पोजीशन फ्लावर पोजीशन फ्लावर की पोजीशन क्या है? फ्लावर की पोजीशन जो है, एक फ्लावर ऐसा है जो एक्जियल है और दूसरा फ्लावर जो ऐसा है जो टर्मिनल है, अंडरस्टैंड। उसके बाद सिक्स की कंडीशन क्या मिलेगी? सिक्स कंडीशन मिलेगा स्टेम हाइट। सिक्स कंडीशन हम सीड का कलर देते हैं, सीड शेप, सीड कलर, सीड, सीड कलर। तो सीड कलर की कंडीशन क्या मिलेगी? येलो एंड ग्रीन, सीड कलर, अंडरस्टैंड। तो पहले आपका मिल गया सीड शेप, फ्लावर कलर, फ्लावर कलर, फ्लावर कलर, फ्लावर कलर मिला यहाँ पे आपका, फ्लावर कलर वायलेट एंड व्हाइट, वायलेट एंड व्हाइट, अंडरस्टैंड। और सीड कलर मिला आपका येलो एंड ग्रीन, ग्रीन। उसके बाद सेवन कंट्रास्टिंग फैक्टर क्या मिला? प्लांट की हाइट, स्टेम, स्टेम हाइट। और स्टेम हाइट में क्या कंडीशन मिली? टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट, अंडरस्टैंड। टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट, अंडरस्टैंड। ये सेवन कंट्रास्टिंग ट्रेट्स मिल गए। कि सबसे पहले करेक्टर में क्या देखा? सीड का शेप देखा। सीड के शेप में कितने तरह के सीड के शेप हैं? एक राउंड है और एक क्या है? रिंकल्ड है। ये राउंड जो है आपका डोमिनेंट करेक्टर है, रिंकल्ड क्या है? रिसेसिव करेक्टर है, अंडरस्टैंड। इसको हम राउंड को यदि कैपिटल आर तो रिसेसिव को स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, अंडरस्टैंड। जहां भी स्मॉल आर होगा, इसके पहले हम बता चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, अंडरस्टैंड, कि स्मॉल आर जो होता है ये आपका रिसेसिव ट्रेट होता है, अंडरस्टैंड। कैपिटल आर मतलब कैपिटल लेटर जो होता है ये आपका डोमिनेंट ट्रेट होता है, अंडरस्टैंड। दूसरी कंडीशन है फ्लावर कलर। फ्लावर कलर में एक वायलेट कलर मिलेगा और एक कलर मिलेगा व्हाइट, दो तरह के कलर। पॉड शेप में क्या कंडीशन मिलेगी? एक फूल मिलेगा और एक कॉन्स्ट्रिक्टेड मिलेगा, अंडरस्टैंड। पॉड कलर की कंडीशन क्या होगी? एक ग्रीन होगा और एक येलो होगा, अंडरस्टैंड। फ्लावर पोजीशन क्या होगा? एक एक्जियल और एक क्या होगा? टर्मिनल, अंडरस्टैंड। एक एक्जियल का मतलब होगा कि ये जो इसे मान लीजिए रूट है तो यहाँ पर ये फ्लावर लगेगा, अंडरस्टैंड। अरे यहाँ पर ये आपका ये फ्लावर लगेगा। और टर्मिनल का मतलब कि ये कोई आपका प्लांट है तो ये आपका फ्लावर यहाँ लगेगा, अंडरस्टैंड। ये टर्मिनल की कंडीशन आ जाएगी और ये क्या कंडीशन आ जाएगी? एक्जियल की कंडीशन आ जाएगी, अंडरस्टैंड। सीड का कलर कैसा मिलेगा? सीड का कलर मिलेगा आपका जो है एक येलो जो कि डोमिनेंट करेक्टर होगा और ग्रीन जो है आपका रिसेसिव करेक्टर होगा, अंडरस्टैंड। उसके बाद स्टेम की हाइट मिलेगी जिसको हम टाल कहेंगे। टाल जो है डोमिनेंट करेक्टर है और ड्वार्फ जो है क्या है? रिसेसिव करेक्टर है, अंडरस्टैंड। जिसको टाल को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं जो कि डोमिनेंट करेक्टर है और ड्वार्फ को स्मॉल टी से डिनोट करते हैं जो कि रिसेसिव करेक्टर है, अंडरस्टैंड। तो सेवन कंट्रास्टिंग ट्रेट्स मतलब मेंडल ने जब पी प्लांट पर सर्च करना स्टार्ट किया तो उस कंडीशन में इसको सेवन कंट्रास्टिंग ट्रेट्स मिले, अंडरस्टैंड। सेवन कंट्रास्टिंग ट्रेट्स में आपका सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर पोजीशन, उसके बाद जो स्टेम हाइट, अंडरस्टैंड। ये सेवन कंट्रास्टिंग ट्रेट्स मिल गए, अंडरस्टैंड। कंट्रास्टिंग ट्रेट बाय मेंडल इन पी। तो दूसरी कंडीशन में क्या देखेंगे कि मेंडल ने
किस तरह के कंट्रास्टिंग करेक्टर को देखा। कंट्रास्टिंग का मतलब कि तुलनात्मक करेक्टर, कंपराइजिंग करेक्टर, अंडरस्टैंड, कि एक ही प्लांट में इतने टाइप्स के कंपराइजिंग करेक्टर मिल गए, अंडरस्टैंड। तो अब दूसरी कंडीशन जो मिलती है आपका, ये करेक्टर, एंड कंट्रास्टिंग ट्रेट, कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, स्टेम हाइट, स्टेम हाइट, स्टेम हाइट में टाल एंड ड्वार्फ। टाल क्या है? डोमिनेंट। ड्वार्फ क्या है? रिसेसिव। अंडरस्टैंड, ये कंट्रास्टिंग ट्रेट्स मिल गए, अंडरस्टैंड। दूसरी कंडीशन क्या हो गई आपकी? दूसरी कंडीशन होगी फ्लावर कलर, फ्लावर कलर, और फ्लावर कलर में आपका वायलेट एंड व्हाइट एंड व्हाइट। थर्ड पोजीशन क्या मिल गया आपको? फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पोजीशन, अंडरस्टैंड। फ्लावर पोजीशन में क्या मिल गया आपको? एक्जियल एंड टर्मिनल, एक्जियल एंड टर्मिनल, अंडरस्टैंड। ये एक्जियल होगा और एक टर्मिनल फ्लावर होगा, अंडरस्टैंड। उसके बाद फोर्थ करेक्टर में क्या मिल गया आपको? पॉड शेप, पॉड शेप, पॉड शेप की कंडीशन क्या मिलेगी? एक इनफ्लेटेड, इनफ्लेटेड। तो दूसरी कंडीशन क्या मिलेगी आपका? कॉन्स्ट्रिक्टेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड, अंडरस्टैंड। एक इनफ्लेटेड मिलेगा और नेक्स्ट कंडीशन क्या मिली? कॉन्स्ट्रिक्टेड मिला, अंडरस्टैंड। उसके बाद फिफ्थ पोजीशन क्या मिल गई आपकी? पॉड कलर, पॉड कलर, पॉड कलर में क्या कंडीशन मिल गई आपको? ग्रीन एंड येलो, ग्रीन एंड येलो, अंडरस्टैंड, ग्रीन एंड येलो। शिड शेप सिक्स पोजीशन, शिड शेप, शिड शेप की कंडीशन क्या मिल गई? राउंड एंड रिंकल्ड एंड रिंकल्ड, अंडरस्टैंड, राउंड एंड रिंकल्ड। उसके बाद जो है सेवन करेक्टर क्या मिल गया आपको? शिड कलर, शिड, शिड कलर, और शिड कलर में क्या कंडीशन मिलेगी? येलो एंड ग्रीन, येलो एंड ग्रीन, अंडरस्टैंड। ये आपके जो है क्या कंडीशन मिली? कंट्रास्टिंग ट्रेट स्टूडेड बाई मेंडेलियन लॉ, अंडरस्टैंड। मेंडल के लॉ के अनुसार जो है सेवन जो है आपके क्या मिले? कंट्रास्टिंग ट्रेट्स मिल गए। कि सबसे पहले स्टेम की हाइट, टाल एंड ड्वार्फ। तो टाल क्या है? डोमिनेंट। ड्वार्फ क्या है? रिसेसिव। दोनों को कंपेरिजन कर सकते हैं हम, अंडरस्टैंड। उसके बाद फ्लावर कलर में क्या कंडीशन हो गई? वायलेट एंड व्हाइट। वायलेट क्या है? डोमिनेंट। व्हाइट क्या है? रिसेसिव, अंडरस्टैंड। उसके बाद फ्लावर पोजीशन क्या मिल गई? एक्जियल एंड टर्मिनल। तो एक्जियल क्या हो गई? डोमिनेंट। टर्मिनल क्या हो गई? रिसेसिव, अंडरस्टैंड। पॉड शेप की कंडीशन क्या हो गई? इनफ्लेटेड, अंडरस्टैंड। तो इनफ्लेटेड क्या हो गया? डोमिनेंट करेक्टर। उसके बाद कॉन्स्ट्रिक्टेड क्या हो गया? रिसेसिव करेक्टर, अंडरस्टैंड। उसके बाद पॉड कलर की कंडीशन क्या हो गई? ग्रीन। तो ग्रीन की कंडीशन क्या हो गई? डोमिनेंट। उसके बाद येलो की कंडीशन क्या हो गई? रिसेसिव, अंडरस्टैंड। उसके बाद शिड शेप, राउंड एंड रिंकल्ड एंड शिड कलर, येलो एंड ग्रीन, अंडरस्टैंड। दिस इज द कंट्रास्टिंग ट्रेट्स।
जब मेंडल का एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ तो उस कंडीशन में ये करेक्टर मिले और इसके कंट्रास्टिंग ट्रेट्स मिल गए। अंडरस्टैंड, कंट्रास्टिंग ट्रेट का मतलब कि कंपेराइजिंग करेक्टर ऑफ दिस प्लांट्स। अंडरस्टैंड, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे इनहेरिटेंस ऑफ जीन। अंडरस्टैंड, नेक्स्ट वीडियो आपकी होगी इनहेरिटेंस ऑफ जीन। अंडरस्टैंड, बाय स्टूडेंट्स।